गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हो सब लोग अच्छे हो अच्छा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो कमेंट भी करते हो मैंने पढ़े थे कमेंट तो कुछ ही करते हैं कुछ लोग करते ही नहीं कमेंट कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में या फिर कोई लाइन हो ऐसी जो समझ में ना आए ठीक है वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो बाकी जिस ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया करो अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज का जो ऑर्गन है वो आपका रहेगा लंग्स कौन सा ऑर्गन पढ़ेंगे आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे लंग्स के बारे में पढ़ेंगे देखो बेटा मैं आपको कल की क्लास में मैंने कुछ एक बताया था लंग्स के बारे में लेकिन आज मैं डिटेल में लंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं देखते हैं कि लंग्स बारे में पढ़ रहे हैं लंग्स कैसा ऑर्गन है लंग्स एक पेड ऑर्गन है किसके बारे में कुछ एक बच्चों की थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है नोट्स में तो आज मैं आपको एज ए नोट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि लंग्स क्या है लंग्स इज इट इज ए पेड ऑर्गन इट इज ए पेड ऑर्गन पेड ऑर्गन का मतलब होता है कैसे है टू इन नंबर नंबर में कितने है? दो टू इन नंबर नंबर में कितने ऑर्गन है दो ऑर्गन पेड़ ऑर्गन है कहा सिचुएटेड होते हैं इट इज सिचुएटेड इन थॉरेसिक कैविटी थॉरेसिक इन कैविटी या फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो सिचुएटेड इन थोरेक्स हैं थोरेक्स के चेस्ट के अंदर सिचुएटेड होते हैं बात करते हैं इनकी सेप की कैसी सेप है सेप की बात करें कौन सेप कैसी सेप है सेप या कॉनिकल सेप कैसे सेफ हैल सेप या फिर कौन से बात करें इनके कलर की कलर जनरली इनका होता है पिंक या पिंकिस पिंक या पिंकिस इन कलर लंग्स कैसे होते हैं पिंकिस इन कलर बट बट समटाइम्स इट में बी डार्क इन कलर डार्क इन कलर समटाइम्स ये कैसे होते हैं कलर में डार्क होते हैं डार्क कलर के होते हैं क्यों बिकॉज ऑफ किसकी वजह से जैसे मेरे जैसे जो बीडी सिक्स पीते हैं उनमें स्मोकिंग की वजह से डस्ट पार्टिकल्स इनहेल करने की वजह से पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट की वजह से पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट है मतलब डस्टी इन्वायरमेंट है उसकी वजह से माइन्स में जो वर्क करते हैं उन लोगों में कॉल मील में जो वर्क करते हैं उन लोगों में कॉल मिल में जो लोग वर्क करते हैं उनके लंग्स की एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं अलग अलग लंग्स की डिजीज होते हैं जैसे लंग्स डिजीज होते हैं जैसे टोबेको के अगर टोबेको मतलब तो तम्बाकू है उसके अगर फील्ड है या फिर वहाँ जहाँ वर्क करते हैं उनमें जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं टोबेकोसिस क्या बोलते हैं टोबेकोसिस और जो यहाँ पे कोल जो डस्ट है या फिर कोल मिल कोयले की खाने उनमें काम करते हैं उनमें जो डस्ट जो उनकी दस्त की वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एंथ्राकोसिस क्या बोलते हैं <प्थाँगा> मिट्टी की वजह से होते है, उसको बोलते हैं ठीक है? है इस तरीके से बहुत सारी ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है जो लंग्स के से रिलेटेड होती है ये वाली कंडीशन क्यों होती है ये क्यों होती है ड्यू टू दू टू दाइटोसिस ऑफ फेगोसाइटोसिस दीज़ पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स का जो लंग्स के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल्स है कौन सी सेल्स है फेगोसाइटिक सेल्स है उन सेल्स के द्वारा उनको फेगोसाइटोस कर लिया जाता है उनको एंगल कर लिया जाता है उसकी वजह से जो लंग्स है उनका कलर कैसा रहेगा डार्क कलर रहेगा कैसा कलर रहेगा डार्क कलर बात कर लिया सेप की और कलर की इसके बाद में बात करते अपन किसकी वेट की कि लंग्स का वेट कितना होता है वेट की बात करें तो देखो बेटा दोनों लंग्स का वेट अलग अलग, अलग होता है राइट लंग है वो थोड़ा सा क्या होता है हेवी होता है तो राइट लंग्स का वेट होता है कितना होता है 650 ग्राम कितना होता है 650 ग्राम और जो लेफ्ट लंग्स है लेफ्ट लंग्स का वेट थोड़ा सा क्या होता है कम होता है इसका होता है 550 ग्राम एवरेज की बात करें तो 600 से 700 ग्राम इनका एवरेज वेट होता है कितना होता है 600 से 700 एवरेज वेट होता है लेंथ की बात करें कि लंग्स की लंबाई कितनी है तो बेटा लेंथ की बात करें तो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर इन लेंथ सही है क्या बीस से चौबीस सेंटीमीटर क्या होते है? होती है इनकी लेंथ होती है किनकी लंग्स की लंबाई की बात करें ऊपर से नीचे तक तो लेंथ होती है वो कितनी होती है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ठीक है अब बात करते हैं लंग्स की ये जनरल स्ट्रक्चर्स हो गए अब इसके बाद में बात करें तो लंग्स की जो आउटर स्ट्रक्चर है या एक्सटर्नल फीचर्स है उनकी बात करें किसकी बात करें एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो देखो बेटा एक्सटर्नल फीचर्स में अपन देखते हैं लंग्स के कुछ पार्ट्स होते हैं फर्स्ट वन है वो है आपका अपेक्स सेकेंड वन क्या है बेस थर्ड वन क्या है बॉर्डर है ना थर्ड वन बॉर्डर एंड देन फोर्थ वन क्या है सरफेस ठीक है अपेक्स की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊपर अपने एक एक बाद में पढ़ लेंगे ठीक है बॉर्डर की बात करें तो कितने बॉर्डर होते हैं तीन बॉर्डर एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस की बात करें तो कितने सरफेस? दो सरफेस. कौन कौन सी कोस्टल सरफेस और दूसरी कौन सी मीडियल सरफेस. इस तरीके से कितनी हो गई दो सरफेस हो गई तीन बॉर्डर्स हो गए अब एक्सटर्नल फीचर्स की अपन सिंगल सिंगल एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे कि कौन सा कहाँ होता है कैसे होता है ठीक है तो देखो बेटा फीचर्स में अपन ऑफ बात करते हैं किसकी अपेक्स की किसकी बात करें अपेक्स देखो ए से ए से याद रखो ए फॉर अपर या ए फॉर सबसे आगे वाला पार्ट सबसे आगे का मतलब तो जब जैसे आप एंट्री करते हो तो सबसे आगे की साइड में या सबसे ऊपर की साइड में जो हाईएस्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप अपेक्स बोलते हो तो अपेक्स परजेंट कहाँ होता है सबसे सुपीरियर पार्ट है सबसे सुपीरियर पार्ट है जो अप्रोक्सीमेट आपकी जो क्लेविकल है उसके जस्ट अबेंट और थोड़ा सा जो क्लेविकल है उसे थोड़ा सा अबेंट होता है बात करें अपन किसकी अपेक्स की बात करें तो अपेक्स एक ब्लंट सुपीरियर एंड है कैसा है ब्लंट सुपीरियर एंड ब्लंट का मतलब अंधा अंधा का मतलब वो तीखा ना हो ठीक है ब्लंट सुपीरियर एंड है लंग्स का जो सबसे ऊपर की साइड में सबसे ऊपर की साइड में सिचुएटेड होता है और जो फर्स्ट लेब जो आपकी फर्स्ट रिब है ये कहाँ होता है अब द अब द लेवल ऑफ लेवल ऑफ फर्स्ट रिब जो आपकी फर्स्ट रिब है उसके लेवल से ही क्या होता है ऊपर सिचुएटेड होता है और कहा होता है इन इन द द फ्लोर 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 ऑफ ऑफ नेक 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 जो neck का है वहाँ ये है वहां पे वाला पोर्शन सिचुएटेड होता जिसको आप क्या बोलते हो अपेक्स बोलते हो अपेक्स की बात करें तो अपेक्स में दो तरह की कवरिंग प्रजेंट होती है फर्स्ट जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा और दूसरी होती है उसको बोलते हैं सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे अपेक्स में का कितनी कवरिंग प्रजेंट होती है टू कवरिंग प्रजेंट फर्स्ट जो कवरिंग उसको क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हो सर्वाइकल प्लूरा क्या बोलते हो सर्वाइकल प्लूरा और जो सेकंड जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हो आप क्या बोलोगे सेकंड को सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन क्या बोलोगे सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इस तरीके से दो कवरिंग प्रजेंट रहेगी कौन कौन सी सर्वाइकल फ्लोरा और दूसरी कौन सी सुप्रा प्लूरल ठीक है अब बात करते हैं कि इसके रिलेशन की इसके आगे पीछे दाएं बाएं क्या क्या होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपन किसकी अपेक्स के रिलेशन की किसकी बात कर रहे हैं अपेक्स के रिलेशन की ठीक है तो रिलेशन की बात करें तो अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर एंटीरियर का मतलब सामने की साइड में और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अपेक्स के जस्ट सामने की साइड से यहां से दो आर्टरीज गुजरती है जो फर्स्ट वन आर्टरी होती है वो कौन सी है आपकी फर्स्ट जो आर्टरी है वो है सब क्लेवियन आर्टरी और दूसरी आर्टरी आर्टरी वो कौन से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी तो एंटीरियर से दो आर्टरी गुजरती है सब आर्टरी कौन सी आर्टरी सब क्लेवियन आर्टरी सब क्लेवियन आर्टरी का मतलब यहाँ जो आपकी क्लेविकल है उसके जस्ट नीचे से जो सप्लाई करने वाली आर्टरी है या क्लेविकल को जो सप्लाई करने वाली आर्टरी तो सब सब का मतलब नीचे और क्लेविकल के नीचे से निकलती है तो फर्स्ट वन आर्टरी कौन सी है सब क्लेविकल आर्टरी और दूसरी कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है यहाँ पे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कौन सी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये दो आर्टरीज प्रजेंट होती है कहाँ पे एंटीरियरली फिर बात करते हैं अपन पोस्टीरियरली किसकी बात करते हैं पोस्टीरियर इसके पीछे की साइड में क्या होता है तो पोस्टीरियरली मैंने कल की क्लास बेटा आपको बताया था पोस्टीरियर क्या सिचुएटेड होता है नेक ऑफ द फर्स्ट रिब जो फर्स्ट रिब है उसकी नेक नेक का मतलब होता है कि जहां घुमाव प्रजेंट होता है जैसे रिब है ना इस तरीके से इस तरीके से अटैच होती है ठीक है जो नेक है फर्स्ट रिब की सॉरी इस तरीके से यहां स्टर्नम है और ये स्टर्नम के साथ में अटैच रहती है और यहाँ पीछे घूम के इस तरीके से आती है तो यहाँ जो नेक है किसकी स्टर्नम की वो सिचुएटेड होती है कहां पे ठीक है पोस्टीरियरली फिर बात करते हैं पोस्टीरियर के बाद में कि एंटीरियर और पोस्टीरियर देख लेते हैं लेटरली क्या रहेगी लेटरली भी रिप्स रहेगी दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होगी रिब्स रहेगी मीडियली की बात करें तो so क्या रहता है present रहता है। लेकिन यहाँ स्टर्नम पर नहीं रहेगा अपेक्स पार्ट है लंग्स का उनकी बात है तो वहाँ पे रहेगा। उसकी बात करते हैं अपन कौन सा है सेकेंड पार्ट बेस कौन सा है सेकेंड पार्ट बेस देखो बेटा बेस की बात करें बेस का मतलब क्या होता है किसी भी चीज का आधार बी फोर बोटम बोटम का मतलब सबसे नीचे वाला ठीक है जो इसका आधार का फॉर्मेशन करता है ठीक है तो बात करें बेस की तो सबसे जो इंफीरियर सरफेस होते हैं लंग्स की उसको क्या बोलते हो आप बेस बोलते हो इंफीरियर का मतलब सबसे जो नीचे वाली सरफेस है जो ब्रॉड सबसे डायलेटेड पोर्शन है ब्रॉडेस्ट ब्रॉडेस्ट इन्फीरियर पार्ट ऑफ लंग्स ब्रॉडेस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ लंग्स इज नॉन एज ब्रॉडेस्ट इनफीरियर पार्ट ऑफ लंग्स इज नॉन एज बेस सबसे नीचे की साइड में इंफीरियरली जो नीचे की साइड में सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है उसको आप क्या बोलते हो बेस बोलते हो क्या बोलते हो उसको बेस बोलते हो देखो बेटा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे नीचे की साइड में ब्रॉडेस्ट पार्ट है सबसे चौड़ा पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे बेस बोलोगे इसको क्या बोलोगे आप अपेक्स बोलोगे सबसे नेरो पार्ट था सबसे सुपीरियर पार्ट है उसको क्या बोलोगे आप अपेक्स बोलोगे और ये सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है नीचे की साइड में है इसको आप क्या बोलोगे बेस बोलोगे क्या बोलोगे बेस बोलो। है, है इसके नीचे क्या रहता है डायफ्राम रहता है क्या रहता है इसके नीचे डायफ्राम पे रेस्ट करता है ठीक है समझ में आया बेस है डायफ्राम जो किस पे रेस्ट करता है, पे रेस्ट रेस्ट करता करता है 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 ठीक नेक्स्ट वन बात करते हैं इसके रिलेशन की कि बेस का रिलेशन किस किस के साथ में रहता है तो अपन बात करें कि ये जो बेस है बेस जो है वो सेपरेट होता है एक डोम सेप डोम का मतलब गुम्बद के आकार का डोम तो जानते हो क्या डोम ये क्या है डोम मंदिर देखा मंदिर मंदिर मस्जिद गए हो तो उसका जो गुंबद होता है वो इसी आकार का होता है डोम से ठीक है उसके आकार की एक यहाँ पे बड़ी मसल्स प्रजेंट होती है जिसको आप डायफ्राम बोलते हो क्या बोलते हो उसको डायफ्राम बोलते हो जो सेपरेट करती है किसको राइट और लेफ्ट को। राइट और लेफ्ट लंग्स में आपको क्या करती है यहाँ पे सेपरेट करती है दूसरा ये जो डोमसेफ ऑर्गन है ये इसके नीचे जितने भी ऑर्गन है थोरेस कैविटी के जस्ट नीचे अबडोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है अब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे स्प्लिन भी परजेंट रहता है आपका स्टमक भी रहता है लीवर भी रहता है पेनक्रियाज वगैरह बहुत सारे ऑर्गन वहां सिचुएटेड होते हैं उन ऑर्गन से भी सेपरेट करने का काम करता है तो इट्स सेपरेट फ्रॉम अबडोमिनल ऑर्गन

सिचुएटेड होता है इस तरीके से प्रजेंट होता है यहाँ पे आपके क्या प्रजेंट होता है हर्ट हर्ट प्रजेंट होता है यहाँ पे कार्डियक नोच में ठीक है तो यहाँ पे ये राइट एंड लेफ्ट में सेपरेट करने का काम भी करता है ठीक है देन नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन किसकी इनके बॉर्डर्स की बात करते हैं कि बॉर्डर्स कितने होते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा बॉर्डर सिचुएटेड होता है ठीक है तो बॉर्डर की बात कर रहे थे अपन तो यहां पे बॉर्डर की बात करें तो लंग्स के तीन बॉर्डर है कितने हैं तीन बॉर्डर है कौन कौन से है इंफीरियर सुपीरियर और मीडियर सॉरी इंफीरियर पोस्टीरियर और एंटीरियर बॉर्डर्स की बात करें बॉर्डर अभी आपने जस्ट देखा था बॉर्डर्स के बारे में कितने बॉर्डर है तीन बॉर्डर एंटीरियर पोस्टीरियर और इंफीरियर देखो बेटा एंटीरियर का मतलब क्या है सामने की साइड में जो लंग्स के सामने वाली सरपेस उसको कौन सा बॉर्डर बोलोगे आप एंटीरियर बॉर्डर बोलोगे लंग्स के पीछे की साइड वाला बॉर्डर है उसको क्या बोलोगे आप पोस्टीरियर बोलोगे इंफीरियर का मतलब जो नीचे की साइड में उसको आप क्या बोलोगे इंफेरियर बॉर्डर बोलोगे देखिए बेटा एक बार यहां में एक लंग्स से आपको दिखा देता हूं जैसे ये आपका लंग्स है तो इसका नीचे वाला बॉर्डर है ये तो क्या हो जाएगा इंफीरियर हो जाएगा इसका जो ये सामने वाला है वो क्या हो जाएगा एंटीरियर और इसके पीछे वाला कौन सा हो जाएगा पोस्टीरियर हो जाएगा ठीक है सेम इसी तरीके से अपन बात करते हैं सरपेस की किसकी बात करते हैं सरपेस की बात करें तो यहाँ पे रंग्स लंग्स के अंदर दो सरपेस होती है जो यहाँ पे आपको जो सरपेस दिखाई गई है वो कौन सी है मीडिया स्टर्नल या मीडिया एक्सटर्नल सरपेस ये बीच वाली सरपेस दिखाई गई है आपको कौन सी है देखो यहाँ लिखा हुआ है इंप्रेशंस ऑन द द सरफेस ऑफ राइट लंग है और उसका कौन सा सरफेस है मिडीनल ठीक है दो सरफेस बताई थी कोस्टल सरफेस और कौन सी मीडिया की साइड में मिड लाइन की और स्टर्नम की साइड में उसको बोलते हैं मीडिया एक्सटर्नल सरपेस ठीक है और दूसरी साइड वाली सरफेस उसको क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे कोस्टल सरफेस जो कोस्टल वर्टिवराज आपकी उनकी साइड में प्रेजेंट रहेगी देन बेटा अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी सरफेस की और सरफेस मीडिया स्टेनम की बात करते हैं किसकी बात करते हैं मीडिया स्टेनम की बात करें तो मीडिया स्टेनम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी मीडिया स्टैंडम में एक स्ट्रक्चर होती है जिस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर एंटर होती है और वहां से एग्जिट होती है जैसे पलमोन्द्री आर्ट्री पलमोन्द्री वेन ठीक है उनके साथ में कुछ ब्रोंकाइज ठीक है एजाइगस वैन वगैरह ठीक है आपकी पलमोन्द्री वेन भी उस पोर्शन को मीडिया स्टेनम पे एक ऐसे पैलेस जहां से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है वो इंसर्ट होती है और आउटसाइड में एक्सपेल या वो आप बोल सकते हो अंदर की तरफ जाती है और बाहर भी निकल कर आती है उस जगह को उस पैलेस को हाइलम बोलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं हाइलम देखो बेटा यहाँ पे आपको एक जगह दिखाई दे है ठीक है जिस जगह से पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन और ब्रोंकाइज एंटर हो रही है और एग्जिट हो रही है एंटर भी होती है ठीक है ब्रोंकाइज एंटर हो रही है पल्मोनरी आर्टरी जो अशुद्ध रक्त लेके आई है पल्मोनरी वेन जो शुद्ध रक्त लेके जाएगी ठीक है तो ये तो क्या हो रही है यहां से निकल रही है और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या हो रही है इसके अंदर इंसर्ट हो रही है आपको इतना तो पता है ना कि पूरी बॉडी में एक एक्सेप्शन होता है

इस हाइलम में आप देख सकते हो कि इस हाइलम से कितनी स्ट्रक्चर्स निकल रही है ये लेफ्ट लंग्स का हाइलम लंग है और ये कौन से रंग का है राइट लंग्स का हाइलम लंग है देखो बेटा बात करें अपन लेफ्ट लंग के हाइलम की तो यहाँ से क्या निकल रही है क्या एंटर हो रही है पलमोन्द्री आल्ट्री एंटर हो रही है इसके अंदर और पल्मोनरी वेन क्या हो रही है बाहर जा रही है इन्फीरियर पल्मोनरी वेन और कौन सी सुपीरियर पल्मोनरी वेन ऊपर वाली को सुपीरियर बोलोगे नीचे वाली को क्या बोलोगे आप इंफीरियर बोलोगे ठीक है इसी प्रकार से ब्रॉन्क्योल्स लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंक्यूल्स या प्राइमरी वो इसके अंदर एंटर होता है ठीक ये कौन सी स्ट्रक्चर है किसकी स्ट्रक्चर है ये पल्मोनरी लिगामेंट से क्या रहता है अटैच रहता है किससे अटैच रहता है पल्मोनरी लिगामेंट से ये स्ट्रक्चर किसकी है हाइलम की स्ट्रक्चर है किसकी स्ट्रक्चर है हाइलम की अगर आपसे कोई पूछे कि हाइलम के अंदर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेफ्ट लंग्स के हाइलम में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं प्रजेंट होती या कौन सी स्ट्रक्चर प्रजेंट होती है ऑप्शन में एक अगर ऐसे पूछेगा कौन सी प्रजेंट होती है तो इनमें से वन टू थ्री फोर इन चारों में से एक दे देगा अगला और आपको तो पूछ लेगा कि कौन सी प्रजेंट होती है तब तो आपको ये आंसर इनमें से आपको पता रहना चाहिए ये चार स्ट्रक्चर प्रजेंट है या फिर अगला ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर नहीं होती इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर नहीं होती उस कंडीशन में आपको तीन नाम तो ये वाले दे देगा एक कोई दूसरा दे देगा तो उस टाइम आपको क्या करना है आंसर लिखना है लेकिन हमेशा कंपटीशन में बच्चों के क्वेश्चन गलत यही होते है। इजी है याद है हाइलम में क्या है यार राइट वाले में राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट राइट लेफ्ट वाले में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन और उसके अलावा ब्रॉन आएगी सुपीरियर इंफीरियर मान लो ऊपर वाले सुपीरियर नीचे वाले इंफीरियर लेकिन आप लोग माइंड नहीं लगाते वहां क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है घुमाया हुआ मिल जाता है घुमाया मतलब तो ही क्यों करवाते? करवाते? ही क्यों इजी इजी क्वेश्चन देने होते घुमाने का मतलब है अगर आपसे पूछ ले कि लेफ्ट लंग के हाई लम में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती और यहाँ पे अगर आपके आप लेफ्ट का ध्यान नहीं दो और पल्मौन्द्री वेन पल्मौन्द्री वेन पल्मौन्द्री वेन पल्मौन्द्री वेन वेन तो और अगला लिख दे ठीक है ब्रोंकाई भी लिख दे और वहां पे आप आर्टरी भी लिख दे एक के वो राइट लगा दे बाकी के राइट लेफ्ट ला, लगाए ही नहीं जैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर नहीं होती है ना कौन सी स्ट्रक्चर हाई लेफ्ट लंग या हाई लंग में प्रेजेंट नहीं होती तो मैं यहां लिख दू ब्रोंकाई सेकंड में लिख दो यहां पे पल्मोनरी आर्टरी यहां लिख दो पल्मोनरी वेन और यहां में लिख दो राइट पल्मोनरी वेन अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि नहीं होती इनमें से तीन होती है आपको अगले ने क्लियरिफाई नहीं किया ब्रोंकाई राइट है कि लेफ्ट है लेकिन आपने बता दिया कि ब्रोंकाई परजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी भी होती है पल्मोनरी वेन भी होती है लेकिन अगले ने यह नहीं बताया कि लेफ्ट होती है कि राइट होती है ठीक है लेकिन अगले ने यहां यह साफ साफ लिख रखा है कि राइट है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये तो होती है कि नहीं होती ड मैटर बट ये नहीं होती आपने पूछा क्या है नहीं होती वाला पूछा है, नहीं होती वाला आंसर मिल गया ठीक है, बात करते हैं किसकी राइट right लंग्स के हाइलम की बात करते हैं तो राइट right लंग के हाइलम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है राइट तो लंग right के हाइलम के अंदर क्या हो, क्या होता है प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरी होती है हाइप हाइपरएर्टियल ब्रोंकियो और से भी ब्रोंकियोस ये ठीक अलग-अलग नाम है इनके सुपीरियर पल्मोनरी और इनफीरियर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी इसके अंदर ब्रोंकाई दो होती होते लेफ्ट में कितनी थी ब्रोंकाई एक की पांच स्ट्रक्चर कंटेन करता है और वो कितनी करता है चार स्ट्रक्चर करता है ये आपकी मीडिया एक्सटर्नल सरफेस और मीडिया एक्सटर्नल की साइड में होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन मीडिया स्टर्नल सरफेस बोलते हैं देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी कोस्टल सरफेस की किसकी बात करते हैं कोस्टल सरफेस की बेटा कोस्टल सरफेस की बात करें अपन तो कोस्टल सरफेस है

उस सरफेस को क्या बोलते हैं कोस्टल सरफेस क्योंकि यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज प्रजेंट होते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेज प्रजेंट होता का मतलब की है इंटरकोस्टल रिब्स के बीच में तो ये वाली जो सरफेस है ये इस पे जो आपकी पेराइटल प्लूरा है उसके साथ में अटैच होती है और किसके साथ में इंटरनल जो कोस्टल मसल्स है उनके साथ में अपन रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ लेंगे कि कौन सी कोस्टल मसल्स होती है कौन सी इंटरकोस्टल होती है कौन सी एक्सटर्नल मसल्स होती है ठीक है तो कोस्टल सरफेस कहाँ होती है बाहर की साइड में जहाँ से किसके साथ में अटैच रहती है इंटरकोस्टल मसल्स के साथ में अटैच रहती है ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू